हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वसीयत क्या होता है। वसीयत बहुत ही कॉमन टर्म है जो अक्सर हम लोग सुनते हैं और इसका बेसिक मीनिंग भी ऑलमोस्ट सबको पता है, पर इस वीडियो में आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है और इसका वैल्यू क्या होता है। तो आइए जानें कि वसीयत का मतलब क्या होता है। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जो एक संपत्ति के वितरण और उसके फ्यूचर वारिसों का निर्धारण करता है। वसीयत संपत्ति के अलावा किसी नाबालिग के लिए भी हो सकता है। ऐसा वसीयत यह निर्धारित करता है कि उस नाबालिग की किस तरह से देखभाल होगी और कौन करेगा। तो इस तरह से वसीयत एक ऐसा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है जो एक व्यक्ति के संपत्ति का फ्यूचर वारिस कौन होगा यह निर्धारित करता है, या फिर अगर ये किसी नाबालिग के लिए है तो उसका केयर टेकर या गार्डियन कौन होगा यह निर्धारित करता है। एक बात याद रखें, वसीयत एक व्यक्ति अपने जीवन काल में पूरे होशो हवास में अपनी स्वतंत्र स्वेच्छा से बनवाता है और वह निर्धारित करता है कि उसकी संपत्ति का वारिस कौन या कौन कौन होगा, और अगर कोई नाबालिग है तो उसका केयर टेकर कौन होगा। अब अगला सवाल यह है कि एक वैलिड वसीयत के क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि एक वसीयत लिखी हुई हो, यानी रिटन हो, क्योंकि ओरल या जुबानी वसीयत कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। So it must be written. Second important feature ये है, एक वसीयत में वो सारी संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए जो एक वसीयत बनाने वाले की है। इसमें चल और अचल दोनों संपत्ति ही आएंगी। तीसरा important feature ये है कि इस वसीयत में उन सारे वारिसों का नाम और details अच्छे तरीके से दिया जाना चाहिए जिनके बीच में इस लिखित संपत्ति का वितरण होना है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इस वसीयत में किस वारिस को कितनी संपत्ति मिलेगी और कौन कौन सी संपत्ति मिलेगी ये भी होना चाहिए, और यदि उसमें ऐसा नहीं है तो सारे वारिसों में बराबर में विभाजन होगा। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इस वसीयत में एक एग्जीक्यूटर भी होना चाहिए जो इस वसीयत का सही तरीके से वितरण कर सके। और सिक्स और जो लास्ट मेजर इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये वसीयत ड्यूली साइंड हो और ये सिग्नेचर दो मेजर विटनेसेस के सामने किया गया हो। और ध्यान रहे कि अगर ये सिग्नेचर नहीं हुआ है तो ऐसी वसीयत कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और एक बात ज़रूर नोट कर लें कि वसीयत बनाने वाले के मरने के बाद ही अप्लाई होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अब भी आपके मन में कोई सवाल, कन्फ्यूजन या विशेष इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं, या दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक।